नमस्कार दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मेरे व्हाट्सएप पर आता है या मुझे सबसे ज़्यादा कॉल आती है कि सर जो मेरे टेस्टिकल साइज़ है वो छोटा है, मुझे अपने टेस्टिकल साइज़ को बड़ा करना है जिससे कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो, हमारा जो इरेक्शन है वो ज़्यादा हो, हमें शीघ्र पतन की समस्या ना हो, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो। कहने का मतलब सारे घूम फिर कर वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है और वो मैं कैसे ठीक करूं। देखिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ऐसी बात नहीं है, पहले मैं बात बताऊं। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई आपको मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं कि आप सोचूं कि जब तक मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा मैं तब तक ठीक नहीं होऊंगा। मेडिसिन खाना कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो बर्बाद करना है। यदि आप इसको नेचुरल तरीके से ठीक करोगे तो आप, सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल तरीके से ठीक कर ले, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका पैसा है, जो आपका कीमती पैसा है जिसको आप बर्बाद करने वाले हो, वो बर्बाद नहीं होगा। तो आप इसमें ऐसी क्या चीज़ लें, डाइट में ऐसी क्या चीज़ लें, मुझसे यही पूछा जाता है कि सर ऐसी क्या चीज़ लें हम डाइट में जो हम डेली लें और हमारा जो टेस्टिकल्स बढ़ जाए, स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाए, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाए, स्पर्म काउंट बढ़ जाए, क्या लें, आखिर ऐसे क्या होनी चाहिए। तो इसमें मैं आज आपको एक सजेस्ट करता हूँ, एक चीज़ है डाइट में आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कितने दिन तक करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए, सबसे नाम क्या है उसका, योगर्ट, आपने बहुत बार सुना होगा। हम कह सकते हैं आप यदि आप डेली योगर्ट का इस्तेमाल करते हो, आपने कहोगे सर हमने तो योगर्ट सुना है, मिलती तो है नहीं, कहाँ से लाएं, तो डोंट वरी, यदि आप योगर्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो। योगर्ट नहीं है, योग देखिए एक्चुअली क्या, योगर्ट और दही एक ही है। मैं दही कहूँगा, योगर्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि योगर्ट में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। योगर्ट भी दही है लेकिन उनमें थोड़ा अंतर है बैक्टीरिया का, कि योगर्ट में दो बैक्टीरिया होते हैं और दही में एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। तो और थोड़ा इनमें चेंज होता है, ठीक है। ये जो योगर्ट है वो लो स्किम मिल्क होता है उसकी बनती है, मतलब कम फैट के उसकी बनती है, दूध की बनती है। जो दही है हमारा जो घर में होती है वो ज़्यादा फैट की होती है। वैसे इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो, अब मैं दही बोलूँगा, अब योगर्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार ये योगर्ट कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ से लाऊँगा। फिर कहेंगे सर मैं तो एक गांव का आदमी हूँ, मैं कहाँ से योगर्ट लाऊंगा। तो हम योगर्ट को हटाकर दही का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो दही है वो ज़्यादा फैट की ना हो, बस ये आप ये इस्तेमाल करना। और यदि आपको कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसको आप ध्यान में रख के इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस ये चीज़ आप याद रखना। आप कम फैट वाली या मैं कहूँगा बिल्कुल फैट कम की दही यदि इस्तेमाल करते हो घर पर तो सबसे बेस्ट है। दही के अंदर मैं कहूँगा ना प्रीबायोटिक, एक नाम होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब है आपको, यदि मैं साइंस में ना लेकर जाऊँ, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपके जो कहीं ना कहीं आपका जो स्पर्म क्वालिटी है वो अच्छी होगी, आपका टेस्टिकल्स का साइज ज़्यादा होगा। और ये एक रिसर्च आई थी अभी कुछ दिन पहले, एक रिसर्च आई थी कि और चूहों पर, जो चूहे हैं उनके ऊपर ही रिसर्च हुई थी, उनको कुछ लंबे समय तक योगर्ट का यानी कि दही का इस्तेमाल करा गया तो उनमें चेंजेज आया। उनमें देखा गया कि उनको जो टेस्टिकल का साइज़ है वो बढ़ गया, उनके जो स्पर्म क्वालिटी है, स्पर्म मोटिलिटी है, यानी यहाँ तक कि जो स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ गया। तो उसी के आधार पर, उसी के रिसर्च पर मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि दही कैसे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। दही आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगी, दही आपका जो मोटापा है वो कम करेगी, यानी कि दही के बेनिफिट ही बेनिफिट है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अनगिनत बेनिफिट है। यदि आप दही का इस्तेमाल कर रहे हो अपने डेली लाइफ में तो आप देखना इसके कितनी चमत्कार, मैं कहूँगा चमत्कार रिजल्ट होते हैं इसके, ठीक है। अब बात करते, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि आप दही ले कैसे। देखिए, एक तो आप इसमें दही में कोई चीनी वगैरह मत मिलाए, मतलब शुगर का इस्तेमाल ना करें। आजकल मार्केट में फ्लेवर में आ रही है योगर्ट अलग अलग फ्लेवर में, लेकिन उसमें भी शुगर ऐड कर देते हैं। यदि आप मार्केट से योगर्ट ले रहे हो या दही ले रहे हो तो आप लेवल पर चेक कर लेना उसके अंदर शुगर एडेड ना हो, बस, नहीं तो उसका जो आपकी बॉडी में असर होने वाला है ना वो असर नहीं होगा। बिना शुगर की यानी कि बिना चीनी की आप दही या योगर्ट, आपको यदि योगर्ट मिलती है ऐसा लगता है कि आपके पास योगर्ट है तो आप बेस्ट हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं योगर्ट के चक्कर में नहीं पड़ता तो आप घर पे जो आपके पास दही है
बस उसके अंदर फैट ना हो, उसका आप इस्तेमाल करना। आप देखना आपकी बॉडी में कितने चेंज जाएगी, और आप बिना दवाई के अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं कितनी लेनी है। देखिए, आप इसमें एक कप दही इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप ज़्यादा बॉडी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आप वर्कआउट करते हो या फिजिकली ज़्यादा काम करते हो, तो आप इसमें एक से दो कप भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा आपकी लाइफ स्टाइल में, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। यदि आपका लाइफ स्टाइल बैठने का है तो आप इसमें एक कप ही बेनिफिट है, बहुत से। यदि आपका वर्कआउट है या आपका काम इतना फिजिकली है तो आप इसमें दो कप ले सकते हो। अब लेना कितना है, आप इसको 2 से 3 महीना कंटिन्यू इस्तेमाल करना। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखिए इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा। आप सोचो कि यार मैंने 4-5 दिन ली, मेरा रिएक्शन बढ़ गया, मेरा स्पर्म काउंट बढ़ गया, मेरी स्पर्म मोर्टिलिटी बढ़ गई, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। आप इसको 2 से 3 महीने करना, और सबसे बड़ी बात है आपकी बॉडी में चेंजेज आएंगे। आप जैसे ही 15 दिन या 20 दिन में देखना, आपकी इम्यूनिटी जो आपका एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जो आपके चेहरे पर जो चमक है, स्किन पर जो चमक है वो बढ़ेगी, बॉडी की ड्राइनेस। देखिए अभी आने वाला टाइम सर्दी का है, तो सर्दी में क्या होता है, ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है, आपकी जो स्किन है ड्राई हो जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ पपड़ी पपड़ी सी जम गई है। तो आप यदि डेली दही का इस्तेमाल करते हो तो आप देखना आपकी चेहरे पर कभी भी ड्राइनेस नहीं आएगी। आपको कोई ऐसी क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐसी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके इतने बेनिफिट हैं। लेकिन हम क्या है कि इसको इग्नोर करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम कहते हैं कि यार मार्केट की नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छी कंपनी की दही भी ले रहे हो ना, तो उसका कोई नुकसान नहीं है कि मार्केट की दही है वो तो बेकार है, ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छी कंपनी की ले रहे हो तो वो अच्छी प्रीबायोटिक के साथ आती है वो, ऐसे और आजकल तो स्पेशल लिखा भी रहता है इसके अंदर प्रीबायोटिक ऐड किया हुआ है। तो आप लेवल पर पढ़कर भी पढ़, देखिए सबसे बड़ी बात है मार्केट में जो चीज़ आ रही है उस पर लेवल पर लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़िए और उसको समझिए। यदि उसमें ऐसी कोई चीज़ मिली हुई है, गलत चीज़ मिली है, उसको मत लीजिए। यदि आप लगे कि इसमें जो इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सही है आपके हिसाब से, उसको लीजिए, उसको खाइए। देखिए मार्केट में हर चीज़ है, लेकिन चूज आपको करना है कि आपको क्या चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। और विश्वास मानिए, यदि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करते हो ना, अपनी डाइट में चेंज करते हो, तो आपको इन फ्यूचर ज़िंदगी में अब क्या पूरी ज़िंदगी कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनका वीडियो का जो मेरा कंटेंट है या मेरा जो इंटेंशन इन वीडियो बनाने का, यही तो है कि आप अपना जो पैसा है वो बर्बाद ना करें, क्योंकि आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।